हेलो फ्रेंड्स, बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारी तरह स्माइल कर रहे होंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं, आज का वीडियो बहुत ही अलग होने वाला है। आज हम आपको कुछ स्पेशल चीज बताने वाले हैं, तो गैस करिए आप फटाफट से क्या होगा। वैसे तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा क्या बनाया है। हाँ, तो फ्रेंड्स आज हम आपको बताने वाले हैं एक अवाया। अवाया जो नकाब होता है, मतलब जो बुर्का होता है, वो बताने वाले हैं, और वो भी ब्लैक कलर की फैब्रिक से। तो ये जो हम फैब्रिक से बनाना है, ये हमारे पास जो हैवी वाला जॉर्जेट होता है, इस टाइप का हैवी वाला जॉर्जेट है मोट, और इसका जो पना है वो बड़ा है बहुत। ला बताओ, मैं आपके दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स इसकी जो विड्थ है फैब्रिक की, वो 52 इंच की है, मतलब 52 इंच की। हाँ। और इसको जो हमने, मतलब कपड़े की जो लंबाई ली है, वो हमने 3 मीटर ली है, और 3 मीटर में हम आपको अवाया नकाब जो होता है वो बनाना बता रहे हैं, और वो भी फ्रिल वाला। हाँ, सिंपल नहीं बता रहे हैं, नॉर्मल से सीधा सीधा बता देंगे। हाँ, 3 मीटर फैब्रिक में फ्रिल वाला अवाया नकाब कैसे बनाएं, उसको नकाब ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं मेरे बोल। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि और क्या क्या बोलते हैं इसे। हाँ, को सारे नाम पता चल जाए। हाँ, क्योंकि हम लोगों ने तो कभी, भाई हमने तो सिर्फ बुरका ही सुना है। हाँ, हमें कुछ नहीं पता, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हाँ, और फ्रेंड्स अगर आज हम जो अलग टाइप की वीडियो लेकर आए हैं, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने फैब्रिक वगैरह तो समझ लिया है कि हमें 3 मीटर लेना है, और विड्थ भी आपने समझ ली, बड़े बनने का जो कपड़ा होता है वो लिया है। जो हम अवाया बना रहे हैं वो हम इस टाइप का बना रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ उसके कैसे कैसे नाप लेना, यदि आपको समझा मेजरमेंट लेना मैं बता देती हूँ। हाँ, तो देखिए यहाँ से आपको इंची टेप को रखना है पूरा ऊपर के पास से। हाँ। ना पूरे नीचे तक आपको लंबाई का नाप लेना है, 51.5 इंच की लंबाई रखना है हमको यहाँ तक, और ज्यादातर आप कोशिश करिए बस यहाँ तक आपको लंबाई लेनी है, पूरी जमीन तक मत लीजिएगा, क्योंकि फिर वो नीचे लथड़ते हैं तो सही नहीं। नहीं, रोड पे झाड़ू लग जाती है। हाँ, झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक तो ये आपकी फुल लेंथ हो गई ऊपर से लेके पूरे नीचे तक की। अब आपको एक नीचे, हम यहाँ तक फ्रिल लगाएंगे, तो अब आपको एक लेंथ यहाँ तक की लेना है, एक हमें यहाँ तक सीधा रखना है, मतलब थोड़ा सा एलाइन टाइप का, और थोड़ा नीचे जो रहेगी हमारी झालर रहेगी। तो यहाँ तक हमने लिया है एलाइन वाला शेप, यहाँ से यहाँ तक की एयरलाइन वाले की लंबाई हो जाएगी। कितनी है दीदी? 38 इंच। हाँ, 38 इंच। हाँ, एयरलाइन वाले की लंबाई रखना। हाँ, है। और इसके बाद हमको जो बचेगा वो फ्रिल में लेना है। फ्रिल में लेना है, ठीक है, फ्रिल में ले लिया। और बाकी फिर हम स्लीव्स का नाप ले लेंगे। स्लीव्स तो उनको वैसे थोड़ी बलून वाली बनवाना है, तो उन्होंने थोड़ी बड़ी बनवाएंगी, 24 इंच की। 24 इंच। हाँ, और फिटिंग तो जैसी लेते हैं वैसी लेना है, और एकदम लास्टिक डालेंगे तो फिटिंग की सीम बनाएंगे। उसके बाद लेना है आपको शोल्डर का नाप, तो शोल्डर आपको यहाँ से ऐसे इंची टेप को रखना है, और यहाँ से नाप लेना है। तो प्रीति की शोल्डर तो 14 इंच आ रहा है, और जो के में थोड़े बड़े रहते हैं। हाँ, तो हमें जो बनाना है वो 16 इंच की बनाना है। और गला तो ऐसा पैक स्टैंड कॉलर का रहेगा, तो मैं आपको उसका नाप बता दूंगी कि बनाना कैसा है उसको। ठीक फ्रेंड्स, मेजरमेंट भी आपने समझ लिया है, तो मुझे उम्मीद है आपसे कि आप लोग अपने नाप से बना लेंगे ये वाला वीडियो देखकर। तो सबसे पहले हम क्या कटिंग करेंगे, फ्रिल है ना। हाँ, जो फुल लेंथ रहेगी हमारी, उसमें से हमको ये जो घुटने तक की लेंथ लेना है, वहां तक की लेंथ हमको माइनस करके जो नीचे का बचेगा वो हम फ्रिल के लिए ले लेंगे। ये हमारा जो 3 मीटर वाला कपड़ा है, ये हमारा सिंगल कपड़ा है, इसको अच्छे से बढ़िया फोल्ड कर लेंगे, दूसरा कॉर्नर मिला के इसको डबल कर लेंगे, और एक बार और फोल्ड कर लेंगे। इसकी 4 फोल्ड हमने घड़ी बना ली, कपड़े को हमने 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। अब हमको इसमें से झालर का हिसाब निकालना है, तो निकालना कैसे, देखिए फुल लेंथ वहां से लेके यहां से लेके यहां तक फुल लेंथ हमारी होगी 51.5 इंच, तैयार। आधे इंच हमारा झालर में ऊपर साइड दबेगा तो हो जाएगी 52, और 1 इंच हम नीचे मोड़ेंगे झालर को तो हो जाएगी 53 इंच। अब 53 इंच में से ऊपर का जो हिस्सा है हमारा वो है 38 इंच का। अब यहाँ से हम इसको गिन के देख लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, मतलब कि हमारी जो झालर निकालना है हमको वो निकालना है 15 इंच की। ये जो हमारा किनारी वाला कपड़ा है वहाँ से हमको लगाना है 15 इंच पर निशान, क्योंकि बड़ा तो हमने पहले ही लिया है, मार्जिन तो ऐड हो ही गया हमारा। हाँ, मार्जिन वगैरह हमने ऐड कर लिया, ये हमने 15 इंच पर निशान लगा दिया, और एक निशान हम यहाँ पर लगा देंगे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक एक लंबी लाइन खींच लेंगे, लाइन हमने ये खींच ली है, अब हम इसकी यहाँ से कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी 3 मीटर की झालर की पट्टी निकल गई है, इसको हम यहाँ से हटा देंगे। अब हमको क्या करना है, ये हमारा जो बाकी का जो कपड़ा है ये बचा हुआ है, इसको सिंगल कर लेंगे। सिंगल किया हमने, और इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड कर लेंगे, और इसको अपनी साइड रख लेंगे। खुला वाला हिस्सा है ये हमने अपनी साइड रख लिया है, कपड़े को हमने फोल्ड कर लिया है, पर ये जो हमारी किनारी है इसको हम पहले कट कर देते हैं। एक साइड की किनारी हमने कट करके अलग कर दी है। अब हमको क्या करना है, मार्किंग, यहाँ पर हमको 2-2 इंच पर निशान लगाना है, 2-3 निशान लगा लेंगे हम 2-2 इंच के। स्केल से लाइन खींचेंगे,
ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है जो हमारी पट्टी बनेगी बटन के लिए, आगे पीछे जो आएगी काज बटन वाली पट्टी रहेगी ये वो है, उसके लिए एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है हमने। ये सीधा निशान लगाया हमने, अब हम लगाना है शोल्डर के निशान। शोल्डर हमारे 16 इंच के हैं तो हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से हमको 1.5 इंच इसको डाउन करना है, तो ये देखिए यहाँ से स्केल को रखेंगे और यहाँ से ऐसा तिरछा निशान लगा लेंगे। ये तिरछा निशान लगा लिया हमने, ये तो हमारे शोल्डर 16 इंच है और यहाँ से हमको इतना बड़ा रख देंगे आधे इंच सिलाई के लिए। शोल्डर का हमने निशान लगा दिया है और ढलकते हुए शोल्डर हमने इसलिए रखे हैं क्योंकि हमको यहाँ पर हाफ कॉलर बनाना है, तो कॉलर वाले जो कपड़े रहते हैं उनको ढलकते हुए ही बनाना रहते हैं और खास तौर पर बुर्कों को तो हमको ढलकते हुए ही बनाना पड़ेंगे। नॉर्मल कुर्ता रहता तो फिर भी हम सीधा वाला बना सकते थे। अब हमको आर्मोल्स का निशान लगाना है। आर्मोल्स हम 8 पर लगाएंगे और वो भी ऊपर से लगाएंगे, यहाँ से तो जब हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा आएगा तो वो इस पे आके कवर हो जाएगा, बनके तैयार हमारा 8 ही आएगा। कमर का निशान लगा देंगे 14 इंच पर। अब यहाँ से बीच से हमको इंची टेप रखना है और लंबाई का निशान हमको लगाना है 39 पर। आधे इंच यहाँ पर सिलाई में दबेगा और आधे इंच यहाँ पर दबेगा, 38 हमको तैयार चाहिए। अब हम लगाएंगे फिटिंग के निशान। तो हमने बुर्के का ही नाप लिया था, आधे में लिया था तो आधे में था उनका 20 इंच का और इसका एक और भाग करेंगे तो 10 आ जाएगा। और कमर हमको लगाना है 17 पर, 17 के आधे हो जाएंगे 8.5। इन निशानों को लंबा कर लेंगे, इससे इसको मिला देंगे और यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे, गोलाई कर देंगे। यहाँ पर हम सीधी लाइन खींच लेंगे, यहाँ से स्केल को रखेंगे और ऐसा तिरछा निशान लगाएंगे। ए लाइन का शेप हो गया ये हमारा। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे, यहाँ से हमें कटिंग करना है, ज्यादा मार्जिन नहीं रखना है, सिर्फ हम इतना मार्जिन रखेंगे 1 इंच का। ये हमारा कट हो गया है एक साइड का। अब यहाँ पर कमर पर एक कट लगा देंगे, एक कट यहाँ सीने के पास और एक कट हम यहाँ पर लगाएंगे जो हम मोड़ेंगे उसके लिए। यहाँ से हमको हल्के हल्के से कोने कट करना होंगे वरना ये लटकेंगे। अब हमारा एक साइड का तो कट गया है, ये जो बाकी का कपड़ा बचा है वापस से खसका लेंगे यहीं पर और इसको इस साइड घुमा देंगे। पहले वो खुली वाली साइड हमने अपने साइड रखा था, अब हम ये अपनी साइड बंद वाला हिस्सा रखेंगे। पीछे का तो बंद रहेगा ना, पीछे का थोड़ी खुल जाएगा। इसमें हमने ये नाखून लगा लिया है पीछे वाले को अच्छे से जमा कर। अब ये आगे वाला पल्लर लेंगे और इसके ऊपर रख लेंगे। रखना ऐसे है आपको, ये जो हमने एक्स्ट्रा रखा है ना ये वाला जो लाइन खींची हुई है ये वाला, ये हमको एक्स्ट्रा करना है यहाँ से। ये देखिए इतना बाहर निकाल के रखना है और इसको जमा देंगे। कपड़े को हमने ठीक से जमा कर रख लिया है और इसको आधा इंच इसके ऊपर बढ़ता हुआ ही रखा है, मतलब चढ़ा कर रखा है। ये देखिए क्यों चढ़ा दिया दीदी ये? क्योंकि जब पट्टी बनेगी और एक के ऊपर एक लगेगी तो उसमें भी वो कवर हो जाएगा, मतलब आधे इंच ही बराबर हो जाएगा। यहाँ से तो हमने बड़ा लिया ही लिया है, यहाँ से भी हमको बड़ा रखना है क्योंकि हम 1.5 इंच हमने शोल्डर डाउन किए थे और आधे इंच हमारा जब यहाँ से लेगा तो उसमें दब जाएगा और आधे इंच ये वाला जो ऊपर का इस साइड पलट कर आएगा तो आधे इंच वहाँ पर भी दबेगा, तो ये हमको 2.5 इंच हमको यहाँ से कपड़ा बड़ा रखना है। ये देखिए 2.5 इंच यहाँ पर और यहाँ पर भी 2.5, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हमको पूरा 2.5 इंच रखना है एक्स्ट्रा वो भी। ये देखिए हमने इसकी स्केल से लाइन भी खींच ली है और अब इसके बाद हमको इसमें और कुछ बदलाव नहीं करना है, जैसा ये है वैसा ही वैसे ही इसकी भी कटिंग कर देना है। और जो कट हमने इस पे लगाई थी वो हमको इसमें भी लगाना है, पीछे वाले पल्ले में भी जो हमने आगे लगा लिए थे वही। ये हमारे कट लग गए हैं, अब हमको क्या करना है, आगे वाले को अभी हमने हटा लिया है, ये हमने लिया पीछे वाला। इसमें हमको गले की फैलान रखना है 3 इंच, देखिए हम गहराई रखेंगे 1.5 इंच। 3 इंच हमने इसलिए रखी है क्योंकि बुर्के को कपड़ों के ऊपर पहना जाता है तो एकदम फिटिंग तो नहीं पहन सकते, थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा तब तो अंदर वाले कपड़ों के ऊपर से ये आ पाएगा ठीक ठीक, इसलिए हमने इसकी गले की थोड़ी फैलान बड़ी रखी है। ये हमने गोलाई कर दी और अब हम इसकी यहाँ से कटिंग कर देंगे और यहाँ पर एक छोटा सा कट मार देंगे। ये हमने कट कर दिया है, अब लेंगे हम ये पीछे वाले को यहाँ से ऐसे हटा देंगे और अब लेंगे हम आगे वाला। आगे वाले की फैलान हमको 3 रखना है जैसे हमने पीछे वाली रखी थी और जो गले की लंबाई होगी वो 3.5 इंच रहेगी, इसमें आएगी कॉलर जो हाफ वाली स्टैंड होती है ना वो, और इसकी भी फैलान हमको 3 रखना है और इसमें हल्का हल्का सा इसको राउंड कर लेना है। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे, वो भी यहाँ से करेंगे, यहाँ से नहीं काटना है अभी, यहाँ से हम बाद में काटेंगे। इसकी हमारी कटिंग हो गई है, अब हम यहाँ से आर्मोल्स की गहराई भी काट देंगे, वो भी सिर्फ आगे वाले पल्ले में।
ये हमारी इसकी कटिंग तो हो गई है, मतलब ये आगे पीछे का भी हमारा ये कट गया है और हमारी फ्रिल भी कट गई है। और अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है, अब हमारे पास इतना कपड़ा और बचा है, इसमें से हमको अस्तीन भी निकालना है और स्टैंड भी निकालना पड़ेगी। और भी तो बचा है कपड़ा, उसमें से निकल जाएगी स्टैंड तो। हाँ, इसमें से भी निकल जाएगी। ये हमारा डबल फोल्ड तो पहले से है ही, इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे। ये हमने कर दिया। फोर फोल्ड करने के बाद अब हमको लगाना है अस्तीन के निशान। ये तो हुआ हमारा कपड़ा सीधा करने का निशान। तो यहाँ से हमको इंची टेप रखना है और अस्तीन की जो लंबाई है वो है 24 इंच की। तो 24 की जगह पे हम 24.5 पर निशान लगाएंगे, क्योंकि आधे इंच ऊपर सिलाई में दबेगा। और इसके बाद हमको यहाँ पर अस्तीन में डालना है इलास्टिक। तो एक इंच की तो हमारी इलास्टिक है, तो एक इंच उसका बढ़ जाएगा और आधे इंच अंदर दबेगा, ये उसका बढ़ेगा। और अस्तीन की जो फिटिंग है वो 7.5 इंच है। तो ये देखिए 4.25 पर निशान लगा दिया हमने और 7.5 हमने फिटिंग लिख भी दी। यहाँ से लाइन खींच लेंगे और यहाँ से पूरा रखना है हमको कपड़ा, बिल्कुल भी कट नहीं करना है। ये तो हमारा कट हो गया है। यहाँ से अब हमको इंची टेप को रखना है और 3.5 इंच पर डाउन का निशान लगा देना है। और अस्तीन की जो चौड़ाई है, सीने का चौथाई भाग हमारा 10 आया था, तो 10 ही रखा है हमने, क्योंकि कॉलर वाला गला है उसमें हमको बढ़ाकर नहीं रखना पड़ेगा, इसलिए हमने 10 ही रखी है इसकी। ये यहाँ से हमको स्लीव्स का शेप दे देना है और अब हम इसकी यहाँ से कटिंग कर देंगे। यहाँ पर कट लगा देंगे बीच सेंटर में। सेंटर में कट लगाने के बाद ये दो कपड़े पकड़ेंगे हम। दो पकड़े हमने, ये देखिए ये दो पकड़े, और अस्तीन की गहराई दे देंगे। ये देखिए हमने गहराई कट दी है। और स्लीव्स को हमें यहाँ चौड़ाई में तो पूरी ही रखना है। अब स्लीव्स की और घेर की और झालर की तीनों की कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स, इसकी हमारी कटिंग तो हो चुकी है। और अगर आपको कटिंग पसंद आई है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारा जो बुरका है, अभी इसको यहीं रखा रहने देंगे। सबसे पहले हम स्लीव्स लेंगे और स्लीव्स बना लेंगे। इनको उठा लिया हमने। ये देखिए यहाँ पे हमारी 7.5 फिटिंग है, तो हमें 7.5 से बस थोड़ी सी बड़ी लेना है, लगभग 8 इंच की, ज्यादा बड़ी नहीं लेना है इलास्टिक को, क्योंकि वो बाद में थोड़ी सी बढ़ भी जाती है। तो इसको लिया हमने, ये सिंगल किया। सिंगल करने के बाद ये जो इलास्टिक ली हमने यहाँ से, ये जैसा हम नेफा बनाते ना वैसे ही बनाना है। यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। ये हमने लगा दी। इसके बाद इसकी खींच के इसके मार्जिन को हम कर देंगे बराबर। ये हो गया हमारा बराबर मार्जिन। ये मार्जिन को बराबर करने के बाद जैसे हमने इसको रेडी किया है, ऐसे ही हम ये वाली स्लीव्स भी रेडी कर लेंगे। दोनों स्लीव्स रेडी हो चुकी हैं, अभी इनको साइड में कर देंगे। और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें ये निशान लगे ये उठा लेना है। कैसे उठाएंगे दीदी? ये ऐसे नाखून रख के ऐसे। ये कितने कपड़ों को पकड़ेंगे? सिर्फ दो कपड़ों को ये हमने उठा लिए। इसके बाद ये दोनों कपड़ों को हटाएंगे। इस कपड़े को कर लेंगे हम सिंगल, सीधा कर लिया। इसके ऊपर से हम एक पार्ट उठा के यहाँ पे रख दिया हमने। रखने के बाद यहाँ शोल्डर मिला देंगे। शोल्डर मिलाने के बाद यहाँ पर हम डबल सिलाई लगाकर यहाँ पे और यहाँ पे पक्की सिलाई करेंगे। और इस वाले को लेंगे यहाँ पे पलट देंगे, यहाँ से हम ये वाला शोल्डर ज्वाइन कर देंगे डबल सिलाई लगाकर। ये दोनों शोल्डर हमने ज्वाइन कर दिए हैं और इनको हमने तिरछे में कट भी कर दिया है। और अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम इसको यहाँ से मिलाएंगे दोनों कट से। कट को मिलाया, मिलाने के बाद ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये गोलाई हमारी 8 इंच की हो गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने 8 की कट की थी तो 8 की आ गई ना, ऐसे ही कट करना है आपको। अब हमें क्या करना है, इसको हम खोल देंगे। खोलने के बाद अगर शोल्डर हल्के से छोटे बड़े हो तो आप बराबर कर लीजिए। बराबर करने के बाद ये जो हमने स्लीव्स कट की थी, ये स्लीव्स ले लेना है। यहाँ से हम इसको ऐसे लगाना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ऐसे सिलाई लगाते हुए लगाते जाएंगे, पूरे यहाँ तक लगा देंगे। और इसके ऊपर हम डबल सिलाई कर देंगे। और ये वाली जो स्लीव्स है हमारी, एक और ये हम इस साइड लगा लेंगे। डबल सिलाई लगाकर हमने स्लीव्स लगा दी हैं। और ये देखिए अब हमें क्या करना है, इसमें करना है फिटिंग। इसको सीधा किया, सीधा करने के बाद इसको हम पलट देंगे एक एक टुकड़े को। हाँ, एक एक टुकड़े को ये यहाँ से मिलाएंगे। यहाँ से हम फिटिंग लगाना स्टार्ट करेंगे इस निशान से। ये देखिए यहाँ पे लगाते हुए यहाँ से मिला लेंगे कट से कट, यहाँ पे भी लगा देंगे। और इस कट को और ये नीचे वाले कट को भी मिलाकर यहाँ से फिटिंग लगाएंगे। और यहाँ से भी बिल्कुल, और स्लीव्स में तो कोई गोलाई दी नहीं। हाँ, और यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल किनारी से लगा देंगे। जितना हम दबाते हैं बस उतना ही दबाना है, ज्यादा नहीं दबाना है। ये फिटिंग हो जाएगी। और इसके बाद यहाँ का भी हमने जो निशान लगाए थे, ये वाले निशान देखिए फ्रेंड्स, ये वाले निशान, इन वाले निशानों के ऊपर से हम इस साइड वाली फिटिंग कर देंगे। डबल सिलाई लगाकर इसकी फिटिंग मैंने कर दी है और स्लीव्स की भी हो चुकी है और इस साइड की भी हो चुकी है। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा मार्जिन रखा था, इसलिए हमने छोटे छोटे से कट्स भी लगाए हैं। अब हमें क्या करना है, नीचे लगाना है इसमें फ्रिल, फिर बाद में यहाँ की पट्टियां मोड़ेंगे। तो इसको अभी साइड कर देंगे और फ्रिल ले लेंगे हमारी। और ये जो हमने इसमें 1 इंच मोड़ने के लिए रखा था, तो ये 1 और ये 2 पल्टी में हम यहाँ से इसको पूरा फोल्ड कर देंगे, पूरे यहाँ तक कॉर्नर तक। ये हमने डबल फोल्ड इसको कर दिया है। और एक और चीज हमने कर ली है, वो बता रही हूँ मैं आपको। ये दोनों हमने मिलाए और यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक ये हमारा डबल हो गया। एक कट हमने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर इसको मिलाया और यहाँ से डबल करके
एक एक कट हमने इस वाले कपड़े में लगा दिया, साइड में भी लग गया। हाँ, साइड में तो एक हो गया ये बीच का कट और ये हो गया साइड के कट। अब हमें इसको खोलना है, खोलने के बाद इसमें हमें इसकी झालर बना के लगानी है। ये देखिए यहाँ से लेके ये एक कट है ना, इतने फैब्रिक की जो चुन्नटे रहेंगी वो हम यहाँ से यहाँ तक बना देंगे, और ये वाले कट से लेके ये एक और ये दूसरे कट के बीच की जो चुन्नटे रहेंगी ये हम यहाँ से लेके यहाँ तक बैक वाले पार्ट में बना देंगे, और ये एक कट जो रहेगा इससे लेके यहाँ तक का जो फैब्रिक बच रहा है उसकी चुन्नटे हम इस वाले फैब्रिक में बना देंगे। तो होगा ये पूरा फैब्रिक हमारा। तो ऐसे ही हमें बनानी है। तो इसको रखना कैसे है, ये हमने इसको रखा, ये भी सीधा है। हाँ ये सीधा है, ये हमने यहाँ से देखिए आपको दिख रहा ना सीधा है, और इसको भी हमें सीधे करके लेना है। ये देखिए ये वाला कपड़ा सीधा है, इसको लिया और यहाँ से ले लेंगे, ये वाला सीधा और ये वाला सीधा यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक तो हम इसको प्लेन ही से लेंगे, और यहाँ से हम चुन्नट बनाना स्टार्ट करेंगे। ये हो गया प्लेन, यहाँ पे हम जो पट्टी मोड़ेंगे ये वाली, इसलिए हमने इतना प्लेन रखा है। अब हम इसमें चुन्नट बनाएंगे, तो हम जो छोटी छोटी आधे इंच वाली बनाते हैं वो ही बनाएंगे। ये देखिए इतना गैप छोड़ के यहाँ से लेके पूरे वहां तक चुन्नट बनाकर हमने हाफ हाफ इंच की पूरा घेर ज्वाइन कर दिया है, और ये देखिए पलट के ये ऐसा दिखेगा, अच्छा लग रहा है ना। प्रेस से हम इनको जमा लेंगे तो सही आ जाएंगी। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने मोड़ने के लिए रखा था इतना फैब्रिक, यहाँ से हम लेंगे निशान वाली साइड से, स्पेशली निशान वाली साइड से ये लिया हमने, और ये इतना इसको हम फोल्ड करेंगे, इतना बड़ा ये लगभग हमारी पौने एक इंच की आई, यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक, कहाँ तक मोड़ना है हमें, पूरे यहाँ नीचे तक, झालर तक। हाँ ये देखिए हमने ये पूरी पट्टी यहाँ तक नीचे तक मोड़ दी है, यहीं से घुमाएंगे हम इसको, और इसके ऊपर हम पॉइंट की सिलाई लगा देंगे बिल्कुल किनारी से। ये हमने इसको फोल्ड कर दिया है, इसके ऊपर पॉइंट की सिलाई भी लगा दी है, और ये अब अच्छा लगने लगा है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड, इस साइड वाला है ये सामने की हम पट्टी लेंगे, और इस साइड वाले को हम नीचे से फोल्ड करेंगे, क्योंकि यहाँ से उल्टा हाथ पड़ेगा ना, इसलिए इसको हमें कैसे मोड़ना है, ये एक और ये दो पलटी में ये पूरा लेना है, और थोड़ा पतला लेना है इसको, यहाँ से लेके पूरे यहाँ ऊपर तक हम इसको भी फोल्ड कर देंगे, यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक इस पट्टी को हमने फोल्ड कर दिया है। और देखिए अच्छे से करना है फिनिशिंग से, यहाँ तक का काम हो चुका है। ये पूरा बुरखे में जो है, अब हमें इसमें सिर्फ स्टैंड जो है ऐसी गोल वाली वो ही लगाना है, और वो मैंने आपको लगाना पहले भी बताई, जब मैंने ये कुर्ते जैसे बताया था ना, इसके जैसा इसको कैसे बना वो वाला वीडियो, इसके जैसा ही आप स्टैंड बना सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस वाली पट्टी को और इस साइड वाली पट्टी को नीचे से मिलाएंगे। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने इसको मिला दिया, और यहाँ से अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हो गई हमारी इसकी कटिंग, अब हमें इसको क्या करना है, सिंगल कर लेंगे, और यहाँ से हमें स्टैंड नापना चालू करना है। ये देखिए कितने इंच आ रहा है, 19.5 इंच। तो इसमें 19.5 इंच का हमें बकरम ले लेना है। तो देखिए फ्रेंड 19.5 इंच का हमने बकरम ले लिया है, और इसकी जो चौड़ाई है वो हमारी 2 इंच की है। यहाँ से इसको फोल्ड करना है, ये रख लिया हमने फोल्ड करके, ये हमारा गले की गोलाई है, इसके नीचे हम इसको रख देंगे खुली वाले हिस्से के पास से। हाँ खुले वाले हिस्से की साइड से, ये खुला वाला हिस्सा ये हमने लिया, इस तरीके से हमने ये निशान लगा दिया, और यहाँ से हम ऐसा सीधा कर लेंगे इसको, सीधा यहाँ से ऐसा सीधा जाएगा। हमने इस पे स्टैंड का निशान लगा लिया है, अब इसकी कटिंग कर देंगे हम। ये हो गई कटिंग, इसके बाद 1 से 1.25 इंच का आपको यहाँ पे मार्जिन रखते जाना है, और इसकी कटिंग करते जाना है। ये लिया हमने, इसको तिरछा कर दिया, 1.25 इंच की दूरी से इसकी कटिंग करेंगे, और आप चाहें तो इस पे निशान लगा के भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। ये हो गई हमारी कटिंग, अब हमें इसको कपड़े पे पेस्ट करना है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी कटिंग कर दी, और ऊपर साइड से भी थोड़ा मार्जिन रख लिया है, और ये जो हमारा मार्जिन जो है यहाँ नीचे वाली साइड से, इसमें जो यहाँ से गोलाई है, इसको हम यहाँ ऐसे पलटते जाएंगे, और इस पे प्रेस लगा के इसको अंदर फोल्ड करते जाएंगे। ये कर दिया, इसके बाद इसके ऊपर हम पानी डाल के एक बार प्रेस और लगा देंगे। ये रही हमारी स्टैंड, इसको हमने एक अलग फैब्रिक लिया, ये देखिए सिंगल ही है, इसको हमने इसके ऊपर रख दिया। रखने के बाद हमें क्या करना है, ये एक साइड तो हमारा पैक ही हो चुका है, यहाँ से बिल्कुल बकरम के बगल से सिलाई लगाएंगे, बकरम के ऊपर नहीं चढ़ाएंगे, और यहाँ से लगाते हुए और बिल्कुल यहाँ से लगाते हुए यहाँ तक लगा देंगे, यहाँ पे कॉर्नर पे दोनों साइड पक्की कर देंगे। ये देखिए यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक हमने सिलाई लगा दी है, अब ये जहाँ पे कॉलर में जितना मार्जिन है इसमें भी उतना ही मार्जिन कटिंग करके बराबर कर लेंगे, और यहाँ पर हमें ये इतना मार्जिन रखना है 2 सेंटीमीटर, जितना हमारा दबता है ना सिलाई में उतना है, और इसकी भी हम कटिंग कर देंगे यहाँ से यहाँ तक। ये पूरी फिनिशिंग हो चुकी है, इसको हमने यहाँ ऐसे बीच में से फोल्ड किया, फोल्ड करके ये सेंटर का कट लगा लिया। अब हम इस स्टैंड को सीधा कर देंगे, ये हो गई हमारी सीधी। अब हमें ये बुरखा ले लेना है हमारा, ये लिया हमने और इसको रख लिया हमने उल्टा करके, ये देखिए, और स्टैंड लिया हमने सीधी करके, और सीधी करके इसको यहाँ से रखना है, ये वाला यहाँ से इसको सिलाई लगाते हुए, क्योंकि नाप के कट की है तो हमने ये बिल्कुल बराबर बैठेगी हमारी, छोटी बड़ी बिल्कुल भी होने वाली नहीं है। ये देखिए यहाँ से देखिए कट से कट मिलाना है, और यहाँ से लेके
पूरे यहाँ तक हमें इसको लगा देना है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाकर इसको हमने अटैच कर दिया है। अब इसको हम पलट के सीधा कर लिया है और सीधा करके मार्जिन को अंदर करेंगे। मार्जिन को अंदर करके यहाँ पे इस पे पॉइंट की सिलाई लगाकर इसको अटैच करते जाएंगे। पूरे यहाँ तक इसको अटैच करेंगे, यहाँ से मशीन घुमाकर और यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे इसके ऊपर पॉइंट की सिलाई लगाकर। इसको अटैच कर दिया है, यहाँ से यहाँ तक इसमें पॉइंट की सिलाई लगा दी है और इसके साथ ही हमारा पूरा अबाया रेडी हो चुका है। ये ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, मैं एक काम करती हूँ उसको डाल के दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैंने पहन लिए, अच्छा लग रहा है ना फ्रेंड्स, मैं भी बना लू अपने लिए। यहाँ पे जो बटन्स रहेंगे ना, वो जो चुटपुट ठुकने वाली बटन होती है ना, वो हम मार्केट से ठुकवा के लाएंगे। तो बताइए फ्रेंड्स जल्दी जल्दी से आपको कैसा लग रहा है, और अच्छा लग रहा है ना तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।